ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 48 में पहला क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में डाउट, हालांकि हमने शायद ये क्लास में डिस्कस भी किए थे दोनों, थर्ड में डाउट, थर्ड में कितनों का हो गया? देखो क्वेश्चन है, वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटीरियल, मतलब यंग्स मॉडल्स दोनों का सेम है। ए हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड थ्री टाइम लेंथ ऑफ बी, तो ए का डायमीटर ट्वाइस है बी से, यानी कि रेडियस भी ट्वाइस है और लेंथ थ्राइस है, टू और थ्री गिवन है। इफ द इलास्टिक लिमिट्स आर नॉट रीच, यानी कि इलास्टिसिटी इसमें है, व्हेन ईच इज स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन, यानी कि टेंशन दोनों में क्या रखनी है सेम, फोर्स दोनों में क्या रखनी है सेम, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? अब एनर्जी स्टोर्ड के बड़े फॉर्मूलाज हैं आपके पास, आप चाहो तो हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल लगा लो, आप चाहो तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम लगा लो, कैसे मर्जी कर लो। मैंने वर्क डन बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला करवाया था हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, तो मैंने ये लगा लिया। क्यों लगाया? क्योंकि स्ट्रेस का मतलब है फोर्स बाय एरिया, मुझे फोर्स चाहिए, और इसमें वाई की वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन मुझे एनर्जी की रेशियो निकालनी है तो वॉल्यूम को राइट साइड पर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका था, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का, तो मैं वॉल्यूम को राइट साइड पर ले गया। और एक सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एल। एक बार मैंने वर्क डन ए का लिया तो फोर्स ए की, आर ए का, वाई ए का, और रेडियस और लेंथ भी ए की। एक बार सारा काम बी के साथ किया, इन्हें डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने में फोर्स सेम है कट जाएगी, वाई सेम है वो भी कट जाएगा, रेडियस की रेशियो गिवन है, रेडियस की रेशियो यहाँ भी गिवन है, लेंथ की रेशियो गिवन है, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है? हो सकता है आपने किसी और फॉर्मूले से किया हो तो भी इट्स ओके, कोई मर्जी फॉर्मूला लगा लो सब ठीक है इसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ट्राई करना ज़रूरी है, ट्राई नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर डाउट है, कितनों का हो गया फोर? देखो, अ यूनिफॉर्म स्टील वायर ऑफ डेंसिटी गिवन, आपको डेंसिटी गिवन है एंड लेंथ भी गिवन है और स्टील वायर का मास भी गिवन है। आगे क्वेश्चन ना पढ़े प्लीज। जब भी किसी भी वायर का मास गिवन है और आपको उसकी डेंसिटी भी गिवन है तो समझो आपको वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय डेंसिटी, तो आपको वॉल्यूम गिवन है। चलो चाहिए होगा, बीच में देखते हैं। अब वो कह रहे हैं ये वायर एक्सटेंड्स बाय 1.25 mm, तो 1.25 mm क्या है? डेल्टा एल, डेल्टा एल उसने दे दिया। और जब इट इज लोडेड बाय 8 kg, तो आपको फोर्स बता दी इसने 8 इंटू जी की, 8 इंटू 9.8 की फोर्स आ गई। आपको क्या निकालना है? स्टील का वाई निकालना है। देखो स्टील का वाई तो मैं निकाल लूंगा, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, फोर्स भी मेरे को पता है 8 जी के हिसाब से चलेगी। प्रॉब्लम क्या है इसमें? मुझे एरिया नहीं पता। एरिया निकालने के लिए मैंने क्या निकाला? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या होता है? वॉल्यूम बाय लेंथ। वॉल्यूम मैंने निकाल लिया, ये रहा, लेंथ मेरे को गिवन है, यहाँ से एरिया आ गया। अब आएगा यंग्स मॉडुलस, आंसर आएगा। बस इसमें यही है कि मास और डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम से एरिया आएगा, फिर यंग्स मॉडुलस आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? कोई डाउट इसमें? हाँ देखो, वो आपको तकलीफ आए तो हो सकता है यार कि mm और सेंटीमीटर और मीटर में तो गेम खेलते रहता है, तो आपको सब कुछ, मैं तो ना वाई देख, मैं तो ये देख लेता हूँ, अच्छा वाई किस में है, SI में है, फिर सारे SI में चलने दो। वाई से मुझे पता लग जाता है कि SI है या CGS है, मैं तो उस तरीके से काम करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट, फिफ्थ सबका हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट सिक्स्थ डाउट, ठीक हो गया, 33 आ रहा है, हो सकता है यार, मैं 33 आ रहा है, मैंने 9.8 से कैलकुलेटर से किया था यार, मुझे लगता है, अच्छा फिर हो सकता है, हाँ 10 के हिसाब से आ जाएगा, राइट, ठीक है, मैंने 9.8 से कर दिया, ठीक है डन। तो कोई बात नहीं, 33-34 कर लेना, 33 कर देना, ठीक है 10 ले लेना। नेक्स्ट सेवन्थ, सेवन्थ में ना क्वेश्चन स्प्रिंग का बना दिया। अब वर्क एनर्जी बार में जाओ, तो वो कह रहे हैं हाँ हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इसमें लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 cm, एक स्प्रिंग 2 cm जो है हमने इसको स्ट्रेच कर दिया,
पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यू, अगर स्प्रिंग को कितना सेंटीमीटर स्ट्रेच किया 10, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये क्वेश्चन है। स्प्रिंग की एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्सपेंशन कितनी है 2 है, एनर्जी यू है। दूसरे केस में एक्सपेंशन 10 है, एनर्जी यू 2 है, दोनों को डिवाइड कर लो, ये एनर्जी यू पता है, के से के कैंसिल, सॉल्व करके यू 2 इन टर्म्स ऑफ यू आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर यूज़ करना है, बात खत्म, ये बात है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान से, अब स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों अलग हैं। स्ट्रिंग होगा उसमें जो वर्क डन है हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल है, स्प्रिंग होगा तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट किया हुआ हमने, ये वायर R1 R2 रेडियस लास्ट टाइम, तो मैंने ट्रिक बता दिया था कि यहाँ पर पाई इंटू आर स्क्वायर नहीं करना, पाई R1 R2 कर देना है, ये शॉर्टकट बता दिया था। ये क्वेश्चन कितनों का हो गया, देखो इसमें डायग्राम कुछ ऐसा आपने इमेजिन किया होगा, वो कह रहा है कि ना एक AD वायर है, AD वायर ऐसी है, और AD वायर में ये लेंथ AB की 0.1 गिवन है, BC की गिवन है और CD की गिवन है, तो आपको इसकी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ की ओरिजिनल डायमेंशंस है। अब वो कह रहा है कि मैंने 10 kg का, और ये मास्कलेस है, 10 kg का नीचे भार लगा दिया तो पूरी की पूरी वायर खींच जाएगी। तीनों का मटेरियल डिफरेंट है, तीनों का यंग मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये बताना है कि डी पॉइंट कितना नीचे गया। अब एक बात बताओ, जब आप मास या वेट लगाएंगे तो ये पोर्शन इलास्टिक है और ये एक्सपैंड हो जाएगा बाई डेल्टा L1, तो B डैश पे आ जाएगा डेल्टा L1, C वाला पॉइंट भी नीचे चला जाएगा, तो अब C पॉइंट कितना नीचे गया, ये खुद तो डेल्टा L2 एक्सपैंड हुआ, पर डेल्टा L1 एक्सपेंशन की वजह से ये और नीचे गया, क्योंकि डेल्टा L1 B से नीचे ले आया और ये खुद कितना नीचे आ गया बाई डेल्टा L2, तो C पॉइंट को डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 नीचे जाना पड़ेगा, और जो D पॉइंट है उसकी खुद की एक्सपेंशन डेल्टा L3 है, तो टोटल एक्सपेंशन नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, या कितना डाउन गया, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। तो ये इतना आपसे ये पूछा है कि D पॉइंट कितना डाउन गया, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है? तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा L/L, तो डेल्टा L एक तरफ, y एक तरफ, और फोर्स की जगह वेट mg, तो 10g पता ही है। मैंने पहले फर्स्ट वायर को लिया, फर्स्ट वायर की लेंथ L1 पुट की, फर्स्ट वायर का y पुट किया, डेल्टा L1 आ गया। फिर मैंने सेकेंड वायर ली, सेकेंड वायर का फोर्स सेम है, L2 चेंज किया, एरिया सेम है, और फिर मैंने यंग मॉडुलस भी चेंज किया, डेल्टा L2 आया। फिर मैंने तीसरी वायर ली, तीसरी वायर में फोर्स सेम है mg, लेंथ चेंज की, एरिया सेम है और y भी डिफरेंट है, तो मैंने डेल्टा L3 निकाला, फिर मैंने तीनों को ऐड किया, तब जाके मेरा आंसर आया। तो मतलब मैं लंबा क्वेश्चन है, बट ट्रिक समझ में आ रहा है कि क्या ट्रिक है, आपको सोचना कैसे है, इसमें तीनों एक्सपेंशन को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये अपलोड कर दूंगा इसको, वहाँ से एक बार चेक करना, अगली बार टेस्ट भी आपका इलास्टिसिटी का ठीक पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें 10th क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया भी था, कॉनिकल पेंडुलम वाला एग्जांपल दिया था मैंने, ये सेम वही क्वेश्चन है, डाउट है पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी मैंने करवा दिया था लास्ट टाइम जाते हुए, वो बाइनोमियल लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम है। ये क्वेश्चन आज हमने कर लिया, आज पहला क्वेश्चन यही था, 75% हीट में कन्वर्ट हो गया, राइज इन टेम्परेचर निकालो, आज का यही क्वेश्चन जो बुकलेट के अंदर था, सेम है। जब एक वायर को खींचते हैं, लंबा करते हैं, तो वर्क डन क्या होता है इसमें, उसमें स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में वायर गर्म भी होती है, ये ऑप्शन मार्क करना है, थर्मल एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होती है। वो अलग बात है कि डेरिवेशन के अंदर हमने थर्मल एनर्जी को नेग्लेक्ट किया है, पर प्रैक्टिकली आपने ये ऑप्शन मार्क करना है, थर्मल भी है और साथ में पोटेंशियल भी है, ठीक है। आज बात कर रहे थे ना कि गर्म भी हो जाती है, तो वो भी आपने इंक्लूड करना है। ये क्वेश्चन हमने NCERT की शीट में कर लिया था, ये नहीं करना भी आपने, बल्क मॉडल्स मैंने करवाना है, ये भी नहीं करना। 17th हो गया, 17th को डाउट, इसमें डाउट 17th में, अगर रो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है और सिग्मा ब्रेकिंग स्ट्रेस है, तो आपको ये बताना है कि ग्रेटेस्ट लेंथ कितनी उसमें टांग सकते हैं। देखो लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि आपने कोई वेट नहीं टांगना, आपने वायर को टांग दिया, आपकी वायर अपने ही वेट से नीचे खींचती जा रही है, तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स क्या है, वायर का वेट।
आपको एल निकालना है, तो मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ, एल निकाल लेना आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक है यहाँ तक? ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट, नाइनटीन तो कर लिया, ए और वाई का रिलेशन अभी किया, ट्वेंटियथ या 21 या 22, सब क्लियर है? बहुत बढ़िया है, ठीक।